अक्सर दोस्त पूछते हैं कि आजकल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, बैंक से एलसी नहीं खुल रही, तो कोई काम बताओ, फारिग बैठे हैं, पैसा बेकार बैंकों में पड़ा हुआ है। तो उनके लिए मेरा मशवरा है कि इस वक्त सबसे बेहतरीन कारोबार जो है वो एग्रीकल्चर का कारोबार है। एग्रीकल्चर के अंदर आप देखें कमोडिटीज़ में प्राइसेस जो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, जो बेसिक स्टेपल है गंदम, उसकी हुकूमत ने प्राइस 3900 की फिक्स की और नई फसल आ चुकी है और आइंदा दिनों में आपका जो है मई से स्टार्ट हो जाएगी चावल की। आप लोग अगर चाहो तो इसमें एग्रीकल्चर में आ सकते हो। ज़मीन का किराया 45,000 रुपये एकड़ से लेकर कोई 1.5 लाख रुपये एकड़ तक है। नहरी ज़मीन जिसको पानी लगता हो वो ज़मीन ली जाए, वहाँ पर आप अगर छोटा मोटा अगर एक प्रोसेसिंग प्लांट लगा लें, वहाँ शेड लगा लें, तो जो एग्रीकल्चर की क्रॉप्स जो यहाँ पाकिस्तान में हम इंपोर्ट करते थे, मिसाल के तौर पे ऑयल की सीड्स के कनोला और सोयाबीन हम इंपोर्ट कर रहे थे, उसकी काश्त अब पाकिस्तान में हो रही है और कैनोला की बहुत अच्छी पैदावार हुई है। इस दफ़ा भी 8,000 रुपये मन से ज़्यादा का रेट हो गया। इसी तरह से जो जेलम और चनाब के बीच का इलाका है वहाँ पर सोयाबीन की काश्त हो रही है। तो हमें अब अपनी जो क्योंकि जो हमारे काश्तकार हैं, जो उनका एक जेन माइंडसेट बना हुआ है, वो वही चार क्रॉप्स के ऊपर जाते हैं, गंदम, चावल, कपास और गन्ना। लेकिन जो महंगी क्रॉप्स हैं जिनमें हमारे पास ऑयल सीड की क्रॉप्स हैं, ब्लैक पेपर भी पाकिस्तान में काश्त होती है। पाकिस्तान बहुत बड़ी क्वांटिटी में ब्लैक पेपर भी इंपोर्ट करता है, उसकी काश्त भी पाकिस्तान में हो सकती है। और जब पढ़ा लिखा और कारोबारी ऑर्गेनाइज तबका जो है अगर एग्रीकल्चर में जाता है, तो पाकिस्तान की ना सिर्फ पर एकड़ यील्ड बढ़ेगी बल्कि मुनाफे में इजाफा होगा। और ये एक ऐसा चीज़ है कि पाकिस्तान में जब हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकती हैं। आप उन क्रॉप्स को जो आप ग्रो करने का प्लान कर रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं। टमाटर की मिसाल आपको देता हूँ कि जो पिछले दिनों में 5 रुपये किलो तक टमाटर आ गया था, अगर उसके वहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट लगे होते जिससे टोमेटो पूरी, टोमेटो जूस, टोमेटो कैचअप और दूसरी चीज़ें जो बनाई जा सकती थी, और उसके अंदर पाकिस्तान को बड़ा एक अच्छा खासा टमाटर की फसल में भी फायदा हो सकता है।